हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर द फ्लाइंग मशीन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ये है यूनिट 5A और इस स्टोरी के ऑथर हैं रे डॉगलस ब्रैडबरी। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कि एक इंसान है जिसने कि फ्लाइंग मशीन बनाया है, पेपर्स, रीड्स, बैम्बूज के हेल्प से एक फ्लाइंग मशीन बनाया है और वह उड़ने लगता है। तो चाइना के जो एम्परर थे उनका एक सर्वेंट, हेड सर्वेंट, उस फ्लाइंग मैन को देखता है और आश्चर्यजनक घटना को जाके अपने राजा को बता देता है। राजा खुद से आते हैं उसे देखने के लिए और वह जब उसे देखते हैं तो खुद भी बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और इसके बाद फिर वो उस एम्परर को, फिर उस फ्लाइंग मैन को वो बुला लेते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या होता है ये हम जानते हैं। इज़ इट नॉट ब्यूटिफुल एक्सीलेंसी? यस, टू ब्यूटिफुल। It is the only one in the world, smiled the man, and I am the inventor. The only one in the world? I swear it. Who else knows of this? No one, not even my wife, who would think me mad with the sun. तो वो कहता है कि क्या ये सुंदर नहीं है महाराज? राजा कहते हैं कि yes, too beautiful. हाँ, बहुत सुंदर है। फ्लायर जिसने कि उस फ्लाइंग मशीन को बनाया था स्माइल करते हुए कहता है कि ये मशीन पूरी दुनिया में अकेला है और मैं इसका आविष्कारक हूँ। उसे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। फिर राजा उसे पूछते हैं कि क्या ये दुनिया में अकेला ही है, एक ही है? फ्लायर कहता है हाँ, कसम से। फिर राजा उसे पूछते हैं कि और किसको पता है इसके बारे में? फ्लायर आंसर देता है किसी को नहीं, नॉट इवन माई वाइफ, मेरी पत्नी को भी नहीं पता है, वो तो मुझे पागल समझती है। She thought I was making a kite. I rose in the night and walked to the cliffs far away. And when the morning breezes blew and the sun rose, I gathered my courage, Excellency, and leaped from the cliff. I flew, but my wife does not know of it. Well, for her then, said the emperor, come along. तो वो फ्लायर कहता है कि मेरी पत्नी को लगता है कि मैं पतंग बना रहा हूँ। मैं रात में उठ के दूर तक यहाँ आया और फिर चोटी पे चढ़ गया और जब सूरज उगा तो मैंने साहस करके चोटी से छलांग लगा दी और मैं उड़ने लगा, लेकिन मेरी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, फिर उसके लिए तुम मेरे साथ चलो। दे वॉक बैक टू द ग्रेट हाउस। द सन वॉज फुल इन द स्काई नाउ एंड द स्मेल ऑफ द ग्रास वॉज रिफ्रेशिंग। द एम्परर, द सर्वेंट एंड द फ्लायर पॉज्ड विद इन द ह्यूज गार्डन। The emperor clapped his hands. Ho, guards! The guards came running. Hold this man! The guards seized the flyer. Call the executioner, said the emperor. वे लोग एक बड़े से घर में पहुंचते हैं। सूरज पूरी तरह से उग चुका था और घास की खुशबू सबको तरोताज़ा कर रही थी। राजा, उनका नौकर और फ्लायर एक गार्डन में जाके रुक जाते हैं। राजा ताली बजाकर अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि पकड़ लो इसे। गार्ड्स फ्लायर को पकड़ लेते हैं। फिर राजा आज्ञा देते हैं कि जाओ, जाके जल्लाद को बुला के लाओ। What's this? cried the flyer, bewildered. What have I done? He began to weep, so that the beautiful paper apparatus rustled. Here is the man who has made a certain machine, said the emperor, and yet asks us what he has created. He does not know himself. It is only necessary that he create without knowing why he has done so or what this thing will do. तो फ्लायर व्यग्र हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या है? What have I done? मैंने क्या किया है? और वह रोने लगता है। उसके रोने से आंसू से एपरेटिस का जो पेपर्स है वो गलने लगता है। राजा कहते हैं कि यह वह इंसान है जिसने एक नया उपकरण बनाया है और फिर भी यह पूछता है कि इसने क्या किया है। यह अपने आप को नहीं जानता है, यह सिर्फ ज़रूरी है कि उसने बना दिया बिना सोचे समझे कि इससे क्या परिणाम होगा और ऐसा क्यों किया गया है, इसलिए इसे पकड़ लो। द एग्जीक्यूशनर केम रनिंग विद अ शार्प सिल्वर एक्स। ही स्टूड विद हिज नेकेड लार्ज मसल्ड आर्म्स रेडी, हिज फेस कवर्ड विद अ सीरीन वाइट मास्क। वन मोमेंट, said the emperor. He turned to a nearby table upon which sat a machine that he himself has created. The emperor took a tiny golden key from his own neck. जल्लाद एक तेज कुल्हाड़ी लेके आता है दौड़ते हुए।
उसकी बाहें खुली हुई थी और चेहरा सफ़ेद निर्मल मास्क से ढका हुआ था। राजा कहते हैं कि 1 मिनट, 1 मिनट रुको, और वह पास के एक टेबल की तरफ जाते हैं जहाँ पे एक मशीन रखा हुआ था जिसे राजा ने बनाया था। फिर राजा अपने गले से एक छोटा सा गोल्डन चाबी निकालते हैं और फिर उसे खोलने लगते हैं। He fitted his key to the tiny delicate machine and wound it up. Then he set the machine going. The machine was a garden of metal and jewels set in motion. The birds sang in tiny metal trees, wolves walked through miniature forests, and tiny people ran in and out of sun and shadow, fanning themselves with miniature fans, and listening to tiny emerald birds and standing by impossibly small but tinkling fountains. वे उस चाबी को मशीन में डालते हैं और घुमाते हैं, फिर मशीन स्टार्ट हो जाता है। वह मशीन मेटल और ज्वेल का एक गार्डन था, यानी कि बागीचा था। चिड़िया छोटे छोटे मेटल के पेड़ों पर बैठ के गाना गा रही थी, भेड़िया जंगल में घूम रहा था, छोटे छोटे इंसान धूप छाँव में दौड़ रहे थे और छोटे छोटे पंखे से खुद को पंखा भी कर रहे थे। कुछ फवारे के पास खड़े होके पन्ना पक्षी यानी कि एमरल्ड बर्ड को गाते हुए सुन रहे थे, यानी कि वो जो सीन था वो ब्यूटीफुल गार्डन का एक सीन था। इज इट नॉट ब्यूटीफुल सेड द एम्परर, इफ़ यू आस्क्ड मी व्हाट आई हैव डन हियर आई कुड आंसर यू वेल, आई हैव मेड दिस बर्ड सिंग, आई हैव मेड फॉरेस्ट्स मर्मर, आई हैव सेट पीपल टू वॉकिंग इन हिज वुडलैंड एंजॉयिंग द लीव्स एंड शैडोज एंड सॉन्ग्स, That is what I have done. राजा कहते हैं कि क्या ये सुंदर नहीं है? अगर तुम मुझसे पूछते कि मैंने क्या किया है तो मैं तुम्हें आंसर देता। मैंने पक्षियों को गाना गाने दिया है, मैंने जंगल को गुनगुनाने दिया है, मैंने इंसान को जंगल में जाने दिया है, और यही मेरा क्रिएशन है, मैंने ये सब काम किया है। But who emperor pleaded the flyer on his knees, The tears pouring down his face. I have done a similar thing. I have found beauty. I have flown on the morning wind. I have looked down on all the sleeping houses and gardens. I have smelled the sea and even seen it beyond the hills from my high place. And I have soared like a bird. Flyer अपने घुटने के बल पे बैठ कर कहता है, आंसू बहाते हुए कहता है कि मैंने भी तो ऐसा ही कुछ किया है, मैंने सुंदरता खोजी है, मैं सुबह की हवा के साथ उड़ा हूँ, मैंने सोते हुए घरों और गार्डन्स को देखा है, मैंने समुद्र की महक को सूंघा है, मैं बहुत ऊंचाई से समुद्र को देखा है, मैं चिड़िया की तरह से ऊंचा उड़ चुका हूँ, मैंने भी तो सिमिलर काम किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी का सेकेंड पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। थैंक यू।